हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मानो। मैं हूँ आपका फार्मासिस्ट अंकुश। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कूल फ्रेश डी कैप्सूल के बारे में। मैं आपको इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा, इसके कंपोजिशन, प्राइस, यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन पर क्लिक कर दो, मेरे नए वीडियोज की आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते। बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें मेन कंपोजिशन क्या रहता है? तो इसमें मेन कंपोजिशन रहता है ओमेप्राजोल 20 mg एंड डोमपोरिडॉन 10 mg, और इसके एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं, और इसकी एक स्ट्रिप की प्राइस है 50 रुपीज। और इस कैप्सूल को मैन्युफैक्चर कर रही है स्मार्ट लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी, और ये किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल होती है। तो चलो बात करते हैं इसके यूजेस, फायदे के बारे में। तो ये कैप्सूल कहाँ पे यूज होती है? दोस्तों, ये कैप्सूल यूज होती है एसिडिटी में। अगर हर्ट बर्न हो रही है, सीने में जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में ये यूज होती है। पेट फूलना, और यूज होती है पेप्टिक अल्सर में। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट के भीतरी परत पर अल्सर छाले पड़ जाते हैं। और ये कैप्सूल यूज होती है स्टमक पेन में और गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में एंड वोमिटिंग उल्टी में भी ये यूज होती है। चलो बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसका डोज क्या होना चाहिए? तो इसका डोज है दिन में 2 बार खाना खाने से पहले। इस कैप्सूल को खाना खाने से पहले ही लेना है। तो चलो बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं डायरिया, दस्त लगना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूख जाना, हेडेक, सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ऐसे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो किस कंडीशन में इस कैप्सूल को लेना नहीं है? अगर किसको लीवर समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में इस कैप्सूल को लेना नहीं है। अगर कोई महिला स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, तो उस कंडीशन में इसे लेना नहीं है। प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना है। अगर ऐसे कंडीशन में लेना है तो आपकी डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है। तो चलो बात करते हैं अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। अगर आपको कूल फ्रेश डी मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप कौन सा अल्टरनेटिव ब्रांड ले सकते हो जिसमें ओमेप्राजोल और डोमपोरिडॉन प्रेजेंट हो? तो उसमें अल्टरनेटिव ब्रांड्स है इसके ओमेज डी, ओमे डी एंड ओनवे डी। तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।